दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ में आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने, इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है, और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था, और मैं आपको बता दूँ इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी को, पुष्पा मूवी को यानी कि 2 भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा, दिसंबर को, में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नज़र आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ, और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है, और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा, जो भी 2022 में रिलीज होने वाला है, और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा 2 पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है।
साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को दो भागों में रिलीज किया जाएगा और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपर क्वालिटी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में, 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ा भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने। इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है, जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है। और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था। और मैं आपको बता दूँ, इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा द
राइज मूवी को पुष्पा मूवी को यानी कि दो भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा, दिसंबर को में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नजर आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ, और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है, और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा, जो कि 2022 में रिलीज होने वाला है, और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा दो पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा को दो भाग में रिलीज किया जाएगा, और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपर हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं, और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने। इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है, जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है, और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन
हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था, और मैं आपको बता दूं इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब फिर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी को यानी कि 2 भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा दिसंबर को में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नजर आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा जो कि 2022 में रिलीज होने वाला है और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा 2 पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को 2 भाग में रिलीज किया जाएगा और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेंड्रेडी ने, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने,
इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो है ही और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था और मैं आपको बता दूँ इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हां दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी को यानी कि 2 भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा दिसंबर को में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नज़र आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा जो भी 2022 में रिलीज होने वाला है और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा 2 पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को 2 भाग में रिलीज किया जाएगा और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपर क्वालिटी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ा भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने, इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है। और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था। और मैं आपको बता दूँ, इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी को, पुष्पा मूवी को यानी कि 2 भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा, दिसंबर को में, 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नज़र आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ, और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा, जो कि 2022 में रिलीज होने वाला है और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा 2 पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा।
इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को दो भागों में रिलीज किया जाएगा और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपर क्वालिटी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में, 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने। इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है। और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था। और मैं आपको बता दूँ, इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है।
जी हाँ दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी को, पुष्पा मूवी को यानी कि दो भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा, दिसंबर को में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नजर आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ, और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है, और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा, जो कि 2022 में रिलीज होने वाला है, और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा दो पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को दो भाग में रिलीज किया जाएगा, और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपर हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं, और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने, इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है, जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है, और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन
हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था, और मैं आपको बता दूँ इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हां दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी को यानी कि 2 भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा, दिसंबर को में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नज़र आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है और पुष्पा पार्ट 2 जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा जो भी 2022 में रिलीज होने वाला है और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा 2 पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने,
इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था और मैं आपको बता दूँ इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हां दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी को यानी कि 2 भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा दिसंबर को में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नज़र आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा जो भी 2022 में रिलीज होने वाला है और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा 2 पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को 2 भाग में रिलीज किया जाएगा और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ा भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने, इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है, और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था, और मैं आपको बता दूँ इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी को, पुष्पा मूवी को यानी कि 2 भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा, दिसंबर को में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नज़र आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। तो दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ, और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा, जो कि 2022 में रिलीज होने वाला है, और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा 2 पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है।
साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को दो भाग में रिलीज किया जाएगा और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपर हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में, 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने। इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है, जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है, और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था, और मैं आपको बता दूँ इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है।
जी हाँ दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी को, पुष्पा मूवी को यानी कि दो भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा, दिसंबर को, में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नजर आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ, और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है, और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा, जो भी 2022 में रिलीज होने वाला है, और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा दो पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा को दो भागों में रिलीज किया जाएगा, और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं, और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने। इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है, जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है, और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को
रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था, और मैं आपको बता दूँ इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हां दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी को यानी कि 2 भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा दिसंबर को, 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नज़र आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा जो भी 2022 में रिलीज होने वाला है और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा 2 पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को 2 भाग में रिलीज किया जाएगा और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने, इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन,
रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों, यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है, और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों, यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था, और मैं आपको बता दूँ इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों, इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी को, पुष्पा मूवी को यानी कि 2 भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा, दिसंबर को में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नज़र आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। तो दोस्तों, यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ, और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों, यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है, और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा, जो कि 2022 में रिलीज होने वाला है, और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा 2 पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को 2 भाग में रिलीज किया जाएगा, और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपर हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में, 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है, तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा।
दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ में आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने, इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है, और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था, और मैं आपको बता दूँ इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी को यानी कि 2 भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा दिसंबर को, 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नज़र आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ, और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है, और पुष्पा पार्ट 2 जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा, जो कि 2022 में रिलीज होने वाला है, और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा 2 पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा, और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है।
फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी शो क्वालिटी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने। इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है। और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था। और मैं आपको बता दूँ, इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी को, पुष्पा मूवी को यानी कि 2 भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा दिसंबर को, में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नज़र आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात, और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है और पुष्पा
पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा, जो भी 2022 में रिलीज होने वाला है और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा दो पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को दो भाग में रिलीज किया जाएगा और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं, जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपर हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में, 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने। इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है, और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था, और मैं आपको बता दूँ इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी
बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है। खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी को, पुष्पा मूवी को यानी कि दो भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें 2021 में देखने को मिल जाएगा, दिसंबर को में 17 दिसंबर को, जो कि हमें क्लैश करते हुए नजर आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात। और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा, जो कि 2022 में रिलीज होने वाला है और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन। दोस्तों साल 2021 की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज, जिसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी पुष्पा द राइज के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताने वाला हूं और इस मूवी का गजब का रिव्यू भी देने वाला हूं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करें इस मूवी के बारे में, तो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली तेलुगु, मलयालम, तमिल, हिंदी और कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी पुष्पा द राइज। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुकुमार बेनरेड्डी ने, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी ने, इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस मूवी का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने काफ़ी गजब का दिया है। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, प्रकाश राज, दयानंद रेड्डी, वेनिला किशोर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों यह मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे पहली मूवी होने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मूवी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो है ही, और यह मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अल्लू अर्जुन की कोई सी भी मूवी होती, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अल्लू अर्जुन की R19 मूवी के बारे में, तो दोस्तों उस मूवी को तकरीबन रिलीज हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक उस मूवी का हिंदी में ना तो आता है और ना ही पता है। तो दोस्तों यह खैर यह सबसे बड़ी बात है कि अल्लू अर्जुन स्टारर अपकमिंग मूवी पुष्पा द राइज, जिसको डायरेक्ट हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है, और दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शन हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन द्वारा इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है हिंदी भाषा में, क्योंकि दोस्तों कल एक मूवी का प्रमोशन करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर अल्लू अर्जुन आए थे, तो उन्होंने वहां पर सूर्यवंशी मूवी के बारे में कहा था और रोहित शेट्टी के बारे में भी कहा था। तो दोस्तों यह मूवी का प्रमोशन उन्होंने किया था, सूर्यवंशी का भी किया था, और मैं आपको बता दूँ इस हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पुष्पा द राइज मूवी का जो हिंदी बैनर वो धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है। यह 90% तो क्लियर हो ही चुका है, अब खैर ऑफिशियल मेकर्स द्वारा अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। तो दोस्तों पुष्पा द राइज मूवी का हिंदी बैनर धर्मा प्रोडक्शन हो सकता है, खैर अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, मेकर्स ने अभी इस बात को ऑफिशियली नहीं बताया है, खैर ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुष्पा मूवी साल 2021 में ही रिलीज होने वाली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट भाग पूरी तरह से बन चुका है और दूसरा भाग की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी को, पुष्पा मूवी को यानी कि दो भागों में रिलीज किया जाने वाला है। इस मूवी का पहला भाग तो हमें
2021 में देखने को मिल जाएगा। दिसंबर को में 17 दिसंबर को जो कि हमें क्लैश करते हुए नजर आने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम से। दोस्तों यह मूवी हमें देखने को मिल जाएगी स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ और इस मूवी को आप देख सकते हो 17 दिसंबर को। तो दोस्तों यह तो हो गई इस मूवी की रिलीज डेट की बात। और बता दो कि पुष्पा द राइज मूवी इस मूवी का पहला भाग होने वाला है और पुष्पा पार्ट टू जो कि अब इस मूवी का रिलीज होगा जो भी 2022 में रिलीज होने वाला है और इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा दो पार्ट में रिलीज हो ही जाएगी। पहला हिस्सा यह दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा हिस्सा 2022 में सामने आएगा। इसके लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने 50 करोड़ की फीस ली है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा को दो भाग में रिलीज किया जाएगा और यह दोस्तों ऑफिशियल मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। पहला हिस्सा इस मूवी का दिसंबर में देखने को मिल जाएगा 2021 में, जिसकी शूटिंग पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में लाल चंदन की डकैती पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन को एक चंदन तस्कर पुष्पा राज के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन सुकुमार कर रहे हैं जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 जैसी सुपर हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर को। तो आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस मूवी के काफ़ी सारे गाने भी रिलीज कर दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे इस मूवी की ऑफिशियल अपडेट या फिर ऑफिशियल हिंदी बैनर के बारे में कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में हमारे चैनल पर बता दूंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।